हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेकर के आ गई हूँ। 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आज के वीडियो में होने वाले हैं। आप सभी इत्मीनान से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और अपना स्कोर चेक कीजिए जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। दोस्तों, सॉरी, इसके लिए मैं मॉर्निंग में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई किसी कारणवश, तो इवनिंग में कर दे रही हूँ। एंड जैसे कि फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियो, थ्योरी सेशन डिटेल में, एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, 100 से ज़्यादा वीडियो, टॉप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस, वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और चेकआउट कीजिए और पूरा डिटेल में अध्ययन कीजिए। जैसा कि दोस्तों, बिहार टेट में भी शारीरिक शिक्षा मिल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट में आ गया है, तो एंड एमपी टेट आप दिए ही हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, तो मेन एग्जाम वर्ग 2-3 का प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। यूपी टीजीटी भी अब होने वाला है, यूपी एलटी ग्रेड 18 के बाद नहीं आया है, अब आएगा ही, तो इतने सारे एग्जाम हैं आपके पास, एनवीएस आएगा और अदर स्टेट का भी टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो डेली बेसिस से मेरे साथ लग जाइए, मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, वो भी फ्री में। इतने सारे कॉन्टेक्ट अवेलेबल फ्री में कोई भी चैनल प्रोवाइड नहीं करा रहा है, और भी मेरे चैनल पे ओनली केवल काम की बात होती है जो आपको हेल्प कर सके, फालतू की बात 1% भी नहीं होता है। समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस से अभी आपको 8-10 वीडियो ऐसे मिलेंगे जिसमें ऑड क्वेश्चन आपको ऑड ऑप्शन छाटना होगा, यानी कि जो चार ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से एक विषम रहेगा, 3 सेम रहेगा, तो उसको छाटना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं, इसलिए 2000 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे गए तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी इन चार ऑप्शनों में से कौन एक ऑड है यानी कि विषम है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर लिम्फ यानी कि लसिका तंत्र, आर्टरी यानी धमनी, हार्ट, ये तीनों चीजें रिलेटेड हैं ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण तंत्र से, जबकि एल्वेलाई जो है आपका विषम है, जो वायु कोशिका होती है, वायु कोश होती है एल्वेलाई, जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसलिए यह विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको चार ऑप्शनों में से एक विषम को छाटना है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन आपका विषम है। दोस्तों, यहाँ पे दिया है डायपल्स थेरेपी, शॉर्ट वेव, अल्ट्रावायलेट रेस। दोस्तों, ये तीनों के तीनों संबंधित हैं, रिलेटेड हैं विद्युत चिकित्सा से, बट यहाँ पे ऑड है यानी विषम है ऑप्शन नंबर ग, पैराफिन यानी मोम चिकित्सा, यह मोम से संबंधित है। इसके अलावा ये तीनों चिकित्सा जो है वो बिजली विद्युत चिकित्सा से संबंधित है, जिसके बारे में मैंने सारी चिकित्सा वाले वीडियो में डिटेल में सभी चीज़ें आपका बताया गया है, सारी चिकित्सा के आपके रिहेबिलिटेशन प्रोसेस यानी कि पुनः स्थापना जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी चार में से कौन आपका विषम है। तो यहाँ भी देखना है कि इंसुलिन, IGF-1, ट्रिप्सिन, ये तीनों के तीनों क्या हैं, प्रोटीन से रिलेटेड हैं, बट आपका बाइल यानी कि जो पित्तरस होता है वह वसा को पचाता है, इसलिए यह एक अलग है, विषम है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी कि इन चारों में से कौन एक विषम है, आपको देखना है कि इन चार ऑप्शनों में से सबसे विषम कौन है। तो देखते हैं, यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम RBC को बोलते हैं, ऑक्सीजन कैरियर एक्सपेंडर्स एंड एरिथ्रोपोएटिन, दोस्तों ये तीनों के तीनों जो हैं
क्या करते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाते हैं। एथ्रोपोडिन ऑक्सीजन करियर एक्सपेंडर्स, ये डोपिंग के अंतर्गत आते हैं। यह हमारे हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे सहनशीलता बढ़ जाती है और स्टेमिना बढ़ जाती है, जिससे देर तक काम किया जा सकता है, थकान नहीं अनुभव होता है। इसके अलावा आपका नेड्रोलोन जो है, यह एनाबोलिक स्टेरॉइड्स से संबंधित है, यह मसल्स को बिल्डअप करता है, तो यह आपका इन तीनों में से विषम है। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें से आपको कौन सा चार में से विषम है, यहाँ पे है जिगारो कानो, जो जूडो खेल के पितामह कहे जाते हैं, एंड ख है विलियम जी मॉर्गन, जो वॉलीबॉल के पितामह कहे जाते हैं, घ है जेम्स स्मिथ, जो बास्केटबॉल के पितामह कहे जाते हैं, बट हैरी मोर किसी के भी पितामह नहीं कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे विषम है, क्योंकि इनका संबंध मार्केटिंग से है और बाकी का संबंध किसी न किसी के पितामह से है। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी चारों में से विषम कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका रिटर्निंग, अटैकिंग, बॉलिंग, पॉपिंग, ये चारों के चारों क्रिकेट से तो रिलेटेड हैं, बट इसमें से आपको फिर भी विषम छांटना है कौन विषम है, तो दोस्तों यहाँ पे विषम है आपका अटैकिंग। कौन विषम है? अटैकिंग विषम है, क्योंकि अटैकिंग एक कौशल है बाकी क्रिकेट के विकेट पर चिन्हित होने वाले क्रीज से संबंधित है, क्रीज से संबंधित है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, इन चारों में से विषम कौन है। दोस्तों यहाँ पे आपको आसानी से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है। यदि आप मेरे चैनल पे सभी वीडियो देखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है पेस प्लैनस, जिसे पेस प्लैनस को क्या कहा जाता है, पेस प्लैनस को फ्लैट फुट यानी कि चपटा पाँव भी बोला जाता है, जिसमें जो हमारा तलवा होता है पैर का वो समतल होता है, कोई उसमें वक्र नहीं बनता है। एंड आपका दूसरा है ख है बाउ लेग, दूसरा है बाउ लेग। बाउ लेग क्या होता है? बाउ लेग होता है जिसे जेनुवरम भी कहते हैं, इसमें दोनों घुटना बाहर की दाएं बाएं निकल जाती हैं, बाहर की ओर दाएं बाएं निकल जाती है, ओ जैसी आकृति बनाती हैं। गह नॉक नी, जिसे जेनु वल्गम भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, दोनों घुटना आपस में टच करती हैं, सट जाती हैं, ये एक्स की आकृति बनाती हैं। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों क्या हैं, पेस प्लैनस, बाउल लेग, नॉक नी, ये तीनों के तीनों पोस्टर डिफॉर्मिटीज यानी शारीरिक विकृति है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ जो है, स्पोंडोलाइसिस जो होता है वह रीढ़ की हड्डी का रोग है, यह शारीरिक विकृति नहीं है, इसलिए यह विषम है। जैसे कि दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रही हूँ, एक क्वेश्चन से तीन तीन चार चार क्वेश्चंस आपके बन जा रहे हैं, जो मैं डिटेल में बता दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, इन चारों में से कौन है विषम, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है ओथ यानी कि शपथ। तो शपथ ग्रहण कब ओलंपिक में शुरू हुआ था दोस्तों, 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। एंड ख है फ्लैग होस्टिंग यानी कि ध्वजारोहण कब शुरू हुआ था ओलंपिक में, तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। एंड घ है पीजन फ्ले यानी कि कबूतर छोड़ना कब शुरू हुआ था ओलंपिक में, तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। एंड दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ओथ यानी कि शपथ ग्रहण, फ्लैग होस्टिंग यानी कि ध्वजारोहण, एंड पीजन फ्ले यानी कि कबूतर छोड़ना, ये तीनों के तीनों 1920 एंटवर्प ओलंपिक में शुरू किया गया था, जबकि ऑप्शन नंबर ग जो है मार्च पास्ट जो है 1908 लंदन ओलंपिक में शुरू किया गया था, इसलिए इन तीनों से यह विषम है। नेक्स्ट दोस्तों, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी इन चारों में से कौन अलग है, कौन विषम है, तो आपको देखना है कि इन चारों में से अलग कौन है। तो यहाँ पे आपको देखना है दोस्तों कि ऑर्थोलॉजी,
जोड़ों के अध्ययन को बोला जाता है, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है, एंड न्यूरोलॉजी जो है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को बोला जाता है। बट यहाँ पे आसन नंबर क जो है एपिस्थेमोलॉजी, इसका संबंध दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी से है, लेकिन और तीनों का संबंध जो है शरीर के अंगों के अध्ययन से है, इसलिए एपिस्थेमोलॉजी ऑड है यानी कि विषम है इन तीनों से। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से कौन सा अलग है आपको देखना है। ठीक है, यहां पे कौन सा अलग है यहां पे आपको देखना है। तो यहां पे ध्यान से आपको देखना है कि आसन नंबर क है न्यूट्रिशनल एंड फार्माकोलॉजिकल, ख है साइकोलॉजिकल, ग है बायोमैकेनिक्स एंड साइकोलॉजिकल। ये सब के सब एर्गोजेनिक एयर से संबंधित है। किससे? एर्गोजेनिक एयर से संबंधित है, जो ऐसा साधन जो हमारे शारीरिक क्षमता की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, एर्गोजेनिक एयर्स कहलाता है। ये 5-6 प्रकार के हैं जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। इससे टॉपिक को सर्च कीजिए या डोपिंग वाले वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और डिटेल में देखिए। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपका एर्गोजेनिक एयर से रिलेटेड है। बट ऑप्शन नंबर घ जो है किनेसियोलॉजी एंड फिलोसॉफिकल जो है यह संबंध नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से ऑड कौन है। तो दोस्तों इसमें ऑड कौन है, यहाँ पे देखते हैं आप कबड्डी कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, इन तीनों की दिशा जो है उत्तर दक्षिण होती है। बट खो खो कोर्ट की दिशा का ग्राउंड को बनाने की जो दिशा होती है वो पूरा पश्चिम होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए यह विषम है। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, इससे बेटर क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से विषम कौन है। तो दोस्तों यहां पे आपको देखना है कि कौन है विषम। यहां पे इलियम, इस्मियम, इलियक क्रेस्ट, ये तीनों के तीनों रिलेटेड है इन नॉमिनेट बोन यानी जो हमारे कुल्ले की हड्डी होती है उससे रिलेटेड है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ जो है सैक्रो इलियक जो है यह एक संधि है, इसलिए यह तीनों से अलग है। नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से विषम कौन है। दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है चारों में से कौन विषम है। तो यहाँ पे इंटरव्यू, केस स्टडी, क्वेश्चनेयर एंड लेक्चर। तो यहाँ पे आपका विषम है लेक्चर। कैसे? क्योंकि लेक्चर शिक्षण की एक विधि है, बाकी आंकड़े प्राप्त करने तथा जानकारी प्राप्त करने के एक टूल है, एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी इन चारों में से कौन है विषम आपको देखना है। तो इन चारों में से विषम कौन है दोस्तों? रेटिना, प्यूपिल, स्क्लेरा। जैसे कि मैं रेटिना, प्यूपिल, स्क्लेरा, ये तीनों के तीनों आंख से रिलेटेड है, आंख के भाग है, जबकि डेंटाइन जो है दांत का भाग है, इसलिए यह अलग है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन सा आपका विषम है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि चेस्ट गार्ड, लेग गार्ड, एल्बो गार्ड, इन तीनों का संबंध है क्रिकेट से, बट सीन गार्ड का प्रयोग होता है फुटबॉल में, इसलिए यह अलग है। तो इस क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। आपको पता हो गया कि चेस्ट गार्ड, लेग गार्ड, एल्बो गार्ड, इन तीनों का प्रयोग होता है क्रिकेट में, जबकि सीन गार्ड का प्रयोग होता है फुटबॉल में। किसमें होता है? फुटबॉल में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी कि
यहाँ पे आपको छांटना है कौन विषम है। तो दोस्तों यहाँ पे साइड लाइन, पेनाल्टी स्पॉट, पेनाल्टी आर्क, इन तीनों का संबंध है फुटबॉल से, बट आपका एंड लाइन का संबंध फुटबॉल से नहीं है। नेक्स्ट है फॉर द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, कौन सा इसमें विषम है। तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा विषम है। तो यहाँ पे देखता है वायलेशन, 3 सेकेंड रूल्स, 8 सेकेंड रूल्स, इन तीनों का संबंध है, रिलेशन है बास्केटबॉल से, किससे है, बॉट के बास्केटबॉल से। जबकि टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन जो होता है इसका संबंध है खो खो से, टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन से किसका संबंध है, खो खो से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी कि चारों में से कौन सा विषम है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पैरोटिट, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ये तीनों के तीनों लार ग्रंथि जो तीन प्रकार की होती है, तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, पैरोटिट सबसे बड़ी लार ग्रंथि, उसके बाद सब लिंगुअल एंड लास्ट में सब मैंडिबुलर, सबसे सब मैंडिबुलर, फिर उसके बाद सब लिंगुअल, सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है सब लिंगुअल। ये तीनों रिलेटेड हैं सलाइवा ग्लैंड से, यानी लार ग्रंथि से, इसलिए ये तीनों सेम है। उसके अलावा जो आपका क ऑप्शन है कैरोटिड, क ऑप्शन जो कैरोटिड है इसका संबंध धमनी से है, जो आपका कैरोटिड धमनी होती है उससे संबंधित है, जो हमारे सिर और गर्दन को रक्त पहुंचाती है, इसलिए ये आपका अलग है। तो एक एक क्वेश्चन से आपका तीन तीन चार चार क्वेश्चन रेडी हो जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी कि इन चारों में से विषम कौन है, ऑड कौन है। तो आपको देखना है यहाँ पे कि कौन ऑड है। तो यहाँ पे देखना है कि एंटीरियर लेग पेन, सीन पेन, सीन स्प्लिंट, इन तीनों को एक ही चीज़ का नाम दिया गया है। एंटीरियर लेग पेन को भी सीन स्प्लिंट एंड सीन पेन बोला जाता है, जो एक नए खिलाड़ी या नए जूते पहनने या अनजान से या गलत तरीके से करने के कारण होता है। एंटीरियर लेग पेन यानी कि जो हमारे टखने के पास हड्डी होती है वहाँ पे आपको चोट लगता है। ये तीनों एक ही हैं, बट आपका स्वेलिन जो है ये आपका संबंध सूजने से है, स्वेलन हो जाता है, कहीं सूज जाता है उसको कहते हैं, इसलिए आपका तीनों से अलग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन तीनों में चारों में से कौन है विषम, इन चारों में से विषम कौन है। तो आपको देखना है, तो दोस्तों आप देखते हैं थियोडोर सीमन एंड अल्फ्रेड बिनेट एंड लेविस टर्मन, इन तीनों का संबंध है इंटेलिजेंस टेस्ट से, यानी सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया था बिनेट ने, बिनेट सीमन ने, और उसके बाद आईक्यू का जो सूत्र दिया था आईक्यू बराबर एम ए बटा सी ए गुणे 100, ये दिया था टर्मन ने। तो इन तीनों का संबंध है बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट से, जबकि सिगमंड फ्रायड जैसे आप सबको पता है इन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी दिया है उससे रिलेटेड है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से कौन है विषम। तो यहाँ पे देखना है दोस्तों कि इफेक्ट, रेडीनेस एंड एक्सरसाइज, यानी कि थार्नडाइक जो सीखने के तीन नियम दिए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। तो इन तीनों का संबंध है थार्नडाइक के मुख्य नियम से, बट ऑप्शन नंबर ख जो है एसोसिएट शिफ्टिंग जो थार्नडाइक के गौर नियम से संबंधित हैं, इसलिए यह अलग है। जैसा कि थार्नडाइक ने सीखने के दो नियम दिए थे, एक मुख्य नियम एक गौर नियम, उनके मुख्य नियम के अंतर्गत लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ
एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव या संतोष असंतोष का नियम था। एंड गौर नियम के अंतर्गत पांच नियम आते हैं, जिसमें से लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स एंड वेरिड रिएक्शंस यानी बहु अनुक्रिया विविध प्रतिक्रियाओं का नियम, एंड दूसरा है मानसिक या मानस तत्परता या मनोवृत्ति का नियम यानी कि मेंटल सेट या एटीट्यूड, एंड तीसरा होता है आंशिक क्रिया या तत्वों की पूर्ण समर्थता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ पोर्टियल एक्टिविटी कहते हैं, एंड चौथा है गौर नियम के अंतर्गत अनुरूपता या सादृश्यता या समानता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ एनालॉगी और सिमिलरिटी कहते हैं, एंड पांचवा है सहचर्यात्मक स्थानांतरण या सहचारी स्थान परिवर्तन का नियम, जिसे लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग बोला जाता है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है साइकोलॉजी यानी कि खेल मनोविज्ञान वाले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है फॉर द फॉलोइंग विच वन इज ऑड यानी चारों में से कौन विषम है, तो आपको देखना है कौन इसमें विषम है। तो दोस्तों यहाँ में है विजडम, केनाइन, इंसीजर, इन तीनों का संबंध है दांतों के नाम है, बट आपका नेवी कूलर जो है वह टखने यानी कि एंकल के एक हड्डी का नाम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ भी आपको देखना है कौन विषम है। तो दोस्तों यहाँ पे क है ज्योतिर्मयी सिकदर, सुनीता रानी, पीटी उषा, इन तीनों का संबंध है एथलेटिक्स से, बट कुंजू रानी का संबंध है भारोत्तोलन से यानी वेट लिफ्टिंग से, इसलिए यह एक विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से कौन सा विषम है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे जेसीआर, इंडियाना, कूपर, ये तीनों के तीनों रिलेट करते हैं मोटर फिटनेस टेस्ट से, बट यो आपका रिलेट नहीं करता है। यो जो है बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का क्रिकेट के लिए फिटनेस टेस्ट से संबंधित है, और बाकी तीनों का संबंध मोटर फिटनेस टेस्ट से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से कौन सा विषम है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखना है कि एरिस्टोटल, हेरोडोटस, हेरोडिकस, ये तीनों के तीनों किसी न किसी के पितामह हैं, यानी कि जो एरिस्टोटल हैं, अरस्तु हैं, ये किनेसियोलॉजी यानी पेशीय विज्ञान गति विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं, हेरोडोटस इतिहास के पिता कहे जाते हैं, एंड हेरोडिकस जो है वो खेल मनोविज्ञान, खेल चिकित्सा यानी कि स्पोर्ट्स मेडिसिन के पितामह कहे जाते हैं, जबकि माइकल जॉर्डन किसी का पितामह नहीं है, यह बास्केटबॉल के बहुत ही चर्चित सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, इसलिए यह विषम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से कौन ऑड है यानी विषम कौन है, तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा इसमें विषम है। तो दोस्तों मीडियल यहाँ पे देखना है कि रेक्टस, ऑब्लिक्यू, ट्रांसवर्स, ये तीनों जो है हमारे पेट की मांसपेशी का नाम है, जबकि मीडियल जो है यह शरीर के मध्य रेखा को कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाउंड द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें आपको दो चार क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहे हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपका है क है योगेश्वर दत्त, के डी जाधव, सुशील कुमार एंड विजय कुमार। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे विजय कुमार जो है वह इनका संबंध निशानेबाजी से है, बट बाकी का संबंध कुश्ती से है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इन सब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से विषम कौन है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि अजलन शाह कप, रंगास्वामी कप, लेडी रतन टाटा, आप बहुत ही परिचित हैं इन नामों से, ये हॉकी से रिलेटेड है, बट आपका कोनिका कप जो है वह बैडमिंटन से रिलेटेड है, इसलिए यह विषम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से कौन सा विषम है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि सप्लीमेंट्री एयर एंड ब्रेडी सप्लीमेंट्री एयर
टाइडल वॉल्यूम, ऑक्सीजन देते, इन ये तीनों के तीनों रिलेट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र से, जबकि आपका ब्रेडिकार्डिया जो है यह संबंधित है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र से, जिसके बारे में मैंने सभी थ्योरी सेशन में डिटेल में बताया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑड कौन है, 2020, 1964 और 1988। तो जैसा कि जानते हैं 2020 और 1964 दोनों का दोनों ओलंपिक हुआ है टोक्यो जापान में, और 1988 जो है सियोल दक्षिण कोरिया में, यानी तीनों का तीनों रिलेट करते हैं एशिया महाद्वीप से। एंड जबकि 1996 जो अमेरिका अटलांटा में हुआ था, इसका संबंध अमेरिका से है, इसलिए यह विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से कौन सा आपका विषम है। तो यहाँ पे इंडेक्स स्प्रे, एथिल क्लोराइड, ठीक है, एंड वेपो कूलरेंट स्प्रे, इन तीनों का संबंध जो है चिकित्सकीय स्प्रे से है, बट क्रायोकाइनेटिक्स जो है, क्रायोकाइनेटिक्स जो है इसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ साथ अभ्यास एक्सरसाइज भी कराया जाता है, इससे रिलेटेड है, इसलिए तीनों में से यह विषम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एन बराबर 37 फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी कि एन बराबर 37 है तो नॉकआउट टूर्नामेंट में यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा जो ऑप्शन है वो क्लियर नहीं दिया हुआ है। तो यदि आप जैसे कि टीमों की संख्या 37 है तो कितने मैच खेले जाएंगे, तो मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n-1। अगर n-1 करेंगे तो 37-1 यानी 36 होगा, यहाँ पे 36 सही होना चाहिए। तो यहाँ पे विषम आपको छांटना है, तो इस क्वेश्चन को आप आंसर देंगे क्या इसका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से विषम कौन है। तो आपको देखना है कि कौन इसमें विषम है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना होगा, जैसे कि फ्लूइड प्लूरा, यानी कि जो प्लूरा द्रव्य है ये किसमें होता है, यह फेफड़ा से संबंधित है। जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, प्लूरा नामक झिल्ली से फेफड़ा जो है चारों तरफ से घिरी होती है। खैवाल विच इस स्प्रेट राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेप्टम, यानी जो सेप्टम है वह हृदय के राइट एंड लेफ्ट यानी कि दाएं बाएं भागों में बांटता है, ये राइट है। एंड फाइबर एट वेंट्रिकल पार्ट पुरकेंजे फाइबर, ठीक है, तो पुरकेंजे फाइबर जो है वो हृदय के भाग होते हैं। गह सेल ऑफ हार्ट बंडल ऑफ हिंज, यानी ये भी आपके हार्ट में यानी कि हृदय में हिंज का बंडल पाया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ख ग एंड घ तीनों ऑप्शन रिलेटेड हैं किससे, तीनों ऑप्शन रिलेटेड हैं हृदय से, बट ऑप्शन नंबर क जो है फ्लूइड प्लूरा जो है या फेफड़े से संबंधित है। नेक्स्ट, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज आर, चारों ऑप्शन में से कौन सा विषम है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा विषम है इसको आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये तीनों के तीनों आपके टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं, बट स्विस ओपन नहीं है, ये आपका विषम है। नेक्स्ट, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, कौन सा आपका विषम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा विषम है। यहाँ पे दोस्तों देखने में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर ग जो है वह विषम है, 0.84 मीटर जो है वह 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई होती है, और बाकी सब जो हैं 39.39 मीटर एंड 34.92 डिग्री एंड 2.135 मीटर, ये सभी अलग अलग हैं। जैसे कि बाकी का संबंध जमीनी मापों से है, यानी जमीन पर ग्राउंड बनाया जाता है उससे रिलेटेड है। जैसे कि 84.39 मीटर जो है ट्रैक की लंबाई होती है, एंड 34.292 डिग्री शॉर्ट पुट
हैमर एंड डिस्कस थ्रो के सेक्टर का कोड होता है एंड 2.135 मीटर जो है शॉटपुट एंड हैमर थ्रो के सेक्टर का व्यास होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, कौन सा इसमें चारों में से एक विषम है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ आपका विषम है, देखना है क्योंकि मैं क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देते जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यों यह विषम है, चार ग्रुप 400 मीटर रिले टेक ओवर जोन 30 मीटर, ये आपका चार ग्रुप 400 मीटर रिले में टेक ओवर जोन 20 मीटर का होता है, इसलिए यह गलत है। ठीक है, यहाँ पे टेक ओवर जोन जो है 30 मीटर दिया हुआ है जबकि 20 मीटर को होता है, इसलिए यह गलत है और बाकी सभी यहाँ पे सही हैं। सही क्या है, टेक ओवर जोन स्क्रेच लाइन, चार गुड़े 100 मीटर रिले टेक ओवर जोन 30 मीटर, ये सभी सही हैं। जब ऑप्शन नंबर घ आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट दोस्तों मोस्ट क्रिटिकल ज्वाइंट, मोस्ट क्रिटिकल ज्वाइंट इसमें कौन है दोस्तों, तो मोस्ट क्रिटिकल ज्वाइंट इसमें है शोल्डर ज्वाइंट, सबसे बेस्ट ज्वाइंट यानी सबसे महत्वपूर्ण ज्वाइंट शोल्डर ज्वाइंट है, जिससे इन चारों ऑप्शन में से शोल्डर ज्वाइंट ऐसा है जो कई अक्ष में गति करता है, इसलिए चारों दिशाओं में हम इसको घुमा सकते हैं, एक रोटेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हिप ज्वाइंट भी होता है बट सबसे क्रिटिकल ज्वाइंट होता है शोल्डर ज्वाइंट। नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से कौन एक विषम है, तो आपको देखना है कि इसमें से विषम कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे ए सी ई ड्यूस बेसलाइन इन तीनों के तीनों रिलेट करते हैं टेनिस से, जबकि ईगल जो है यह रिलेट करता है गोल्फ से, इसलिए यह विषम है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन है चारों में से विषम, तो यहाँ पे देखना है कि कौन विषम है। तो दोस्तों चौरंग चेस चतुरंग, ये तीनों चीजें बोला जाता है चेस, यानी चेस का प्राचीन नाम चतुरंग या चौरंग है, इसलिए ये तीनों सेम है बट आपका मैक्स पॉट जो है यह सांप सीढ़ी का प्राचीन कालीन नाम है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एमपी टेट अब दिए होंगे तो पूछा गया था प्राचीन प्राचीन नाम खेलों के, तो याद रखिएगा चेस का प्राचीन नाम है चतुरंग चौरंग, ठीक है, मैक्सपॉट जो है सांप सीढ़ी का प्राचीन नाम है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी कौन इसमें से सबसे अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहले बाउट रेपचेज, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं कुश्ती में, जबकि नॉकआउट शब्द इस्तेमाल होता है बॉक्सिंग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बाउट रेप चेज, ये तीनों शब्द इस्तेमाल होते हैं कुश्ती में जबकि नॉकआउट इस्तेमाल होता है बॉक्सिंग में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे चारों में से कौन अलग है कौन विषम है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि कौन यहाँ पे विषम है। तो यहाँ पे आपको देखना है दोस्तों कि कैनेडियन ब्रिटिश अमेरिकन, ये तीनों विधि आपका होता है अंक देने की विधि, लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में अंक देने की तीन विधियाँ होती हैं, कैनेडियन ब्रिटिश है अमेरिकन मेथड, जबकि स्विस जो है यह लीग, इसका संबंध लीग टूर्नामेंट की अंक पद्धति से नहीं है, इसका संबंध चेस से है, चेस की अंक पद्धति से है। स्विस का संबंध किससे है, से चेस यानी शतरंज के अंक पद्धति से है, ठीक है। तो अब जानते हैं लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में अंक देने के लिए तीन विधियां होती हैं, ब्रिटिश कैनेडियन एंड अमेरिकन मेथड, जबकि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में
टूर्नामेंट का फिक्सचर बनाने के लिए तीन विधियां होती हैं, साइकिल, टेबुलर एंड स्टेयर केस मेथड। लीग टूर्नामेंट या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को बर्गर सिस्टम भी बोला जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, कौन इसमें विषम है, आपको ये देखना है। तो इन सब में विषम कौन है, तो आपको देखना है कि इसमें विषम कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ जो है आपका विषम है। कैसे विषम है, क्योंकि सुई सिस्टम, कैसलिंग एंड आर्बिटर, ये तीनों के तीनों का संबंध है शतरंज से, जबकि एक्सपेडाइट सिस्टम का संबंध टेबल टेनिस से है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी कि इन चारों में से कौन सा विषम है, आपको ध्यान से देखना है कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे डायमंड, क्लब, स्पेड, इन तीनों का संबंध ताश के पत्तों से है, जबकि गोल्ड का संबंध जो है एक पदक से है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी कि दोस्तों इसमें कौन ऑड है या विषम है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ऑर्थोडॉक्स डिस्कोपट, पेरिओब्राइन, ये तीनों के तीनों जो टेक्निक हैं वह शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक के हैं, जबकि अमेरिकन जो है वह भाला फेंक की तकनीक है, इसलिए यह विषम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इस चारों में से विषम कौन है, आपको देखना है। यहाँ पे देखना है कि नॉर्मन प्रिचार्ड, केडी जाधव एंड राठौर, ये सभी के सभी भारत के ओलंपिक पदक विजेता हैं, जबकि आई एम बीजियम ए जो है यह भारत के चर्चित फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से कौन ऑड है यानी विषम है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, तो यहाँ पे देखना है कि मार्शल, स्टार्टर, कॉल रूम मैनेजर, इन तीनों के तीनों रिलेटेड है ट्रैक एंड फील्ड खेल से, जबकि थर्ड अंपायर संबंधित है क्रिकेट खेल से। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से कौन आपका विषम है। तो यहाँ पे आपका देखना है कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख जो है आपका विषम है। क्यों? क्योंकि बार्नौली प्रिंसिपल, इसका संबंध कार रेसिंग के ब्रेक सिस्टम से है। कहने का तात्पर्य इसका संबंध फ्लूइड डायनेमिक्स से है, बाकी का संबंध वसा रहित शरीर की माप लेने से है। बाकी का संबंध किससे है? वाटर वेइंग मेथड, स्किन फोल्ड कैलिपर, बायोसिला, इन सब का वसा रहित शरीर की माप से है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, कौन है सब चारों में से विषम। तो आपको देखना है इन चारों में से विषम कौन है। तो यहाँ पे देखना है, एमाइलेज यानी कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है, ये राइट है, ठीक है। एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, ये फैट को पचाता है, वसा को, ये भी राइट है। ट्रिप्सिनोजन, यह है प्रोटीन को पचाता है, ये भी राइट है। बट ऑप्शन नंबर ख जो है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को बचाता है, बट यहाँ पे फैट दिया हुआ है, वसा दिया हुआ है, इसलिए यह गलत है। इसलिए राइट कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, कौन सा यहाँ पे विषम है। तो यहाँ पे देखना है दोस्तों कि कौन है यहाँ पे, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस,
इन तीनों मांसपेशियों को मिलकर बनता है हेमिस्ट्रिंग मसल, जो हमारे जांघ के पीछे की मसल्स होती है जो घुटने को मोड़ने में काम आती है। तो ये तीनों के तीनों हेमिस्ट्रिंग मसल्स का ग्रुप है, जबकि आसन नंबर क जो है सब मैंडिबुलर, यह लार ग्रंथि से संबंधित है, और बाकी सब हेमिस्ट्रिंग मसल्स का समूह है, इसलिए क आपका अलग है, विषम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, ऑड यानी कि चारों में से अलग कौन है, विषम कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है पुगलिस्ट बॉक्सिंग के, बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी के खिलाड़ी को कहते हैं, नॉकआउट भी बॉक्सिंग से रिलेटेड है, एंड रिंग जो है बॉक्सिंग के मैदान को कहते हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन रिलेटेड हैं बॉक्सिंग से, जबकि इपोन जो है इपोन वजारी ये सब संबंधित होते हैं आपके जूडो से, इसलिए आपका अलग है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के इस वीडियो में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, जो भी डाउट होगा उसे भी कमेंट में बताइए। एंड इसी तरह वीडियो को डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे मुझे भी एक नया मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आपके लिए मैं डेली बेसिस वीडियो बनाती रहूँगी। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।